एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक मिनी बैग बनाना बताऊंगी, जो कि हम इसको की रिंग भी बना सकते हैं उसकी। तो सबसे पहले हमने 16 चेन ली हैं। अब देखिए, फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड चेन में हमने डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाया है इस तरीके से। जो दो फंदे होते हैं उनको एक साथ निकालते हैं, उसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। देखिए, हर चेन में डालकर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, पूरी रो को कम्प्लीट करेंगे। हर चेन में डालना है और एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही बनाना है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप चेन ज़्यादा लें, 20 चेन ले लें, उससे बड़ा बनाना है 25 चेन ले लें। जितना बड़ा आपको बनाना है उतनी बड़ी आप उतनी ज़्यादा चेन ले लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर प्रेस करें, क्योंकि घंटी प्रेस नहीं करेंगे तो वीडियो के बारे में नहीं पता चलेगा। तो देखिए, इस तरीके से हम पूरी रो कम्प्लीट करेंगे। आगे क्या करना है हम आपको दिखाते हैं। हमने पूरी रो कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमने एक चेन लेकर इसको घुमा लिया। अब देखिए, फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, वापस इसी जगह डाल के फिर एक और सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने, ठीक है। अब इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो दो फंदे होते हैं उसको एक साथ निकालते हैं, उसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। हमने आपको अपनी सारी वीडियो में बता रखा है डबल क्रोशिया कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, सारा हमने बता रखा है। अब देखिए, इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाले फंदे में थोड़ा सा चेंज करना है। अभी देखिए, लास्ट वाला फंदा है, इसमें पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, अब वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन लेकर इसको घुमाएंगे। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में डालते हुए हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, उसका नाम ऑल फैशन टिप्स है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक चैनल हमने और बनाया है किचन का, ऑल किचन टिप्स। अगर आप लोग किचन की वीडियो देखना चाहते हैं मेरे साथ तो उसको भी सब्सक्राइब करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर फॉलो करें हमें। तो यहाँ पर देखिए, पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कर लिया। अब हमारे पास तीन रो कंप्लीट हो गई। चौथी वाली में देखिए हम क्या करेंगे, इसको घुमाया, अब फर्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाले में डालेंगे। तो एक चेन, एक रो में हमें स्टार्टिंग वाली चेन में दो सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है, और लास्ट वाले में दो बनाना है, और एक रो हमें पूरी सादा बनानी है इस तरीके से। देखिए, अब लास्ट तक हम बना के ले जाएंगे, लास्ट में आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। तो हमने इतना बना लिया है, देखिए, अब लास्ट वाले फंदे में फिर से हम एक ही चेन में दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, एक और दो। अब इस वाली रो में हमने एक चेन में मतलब फंदे बढ़ाए थे ना, अब इस वाली रो में हमें नहीं बढ़ाने हैं। देखिए, फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके पास वाली चेन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया। इस पूरी रो को हमें सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करना है, यहाँ पर हमें कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं। और इसके आगे वाली रो में हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे, तो इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे, आगे आपको दिखाते हैं, ठीक है, पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने देखिए पूरी रो कंप्लीट कर ली, अब फिर से हमने एक चेन ली है, अब इस वाली चेन में हम फंदे बढ़ाएंगे इस वाली रो में। तो एक ही चेन में स्टार्टिंग वाले फंदे में देखिए दो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, फिर सारे में एक एक बनाते जाएंगे, और लास्ट में भी हमें दो बनाने हैं, ठीक है, एक ही चेन में दो बनाने हैं। तो देखिए, लास्ट वाले चेन में भी हम एक ही चेन के अंदर दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरा कंप्लीट करते जाएंगे इस तरीके से। तो अगर आप लोगों को किचन की वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। ऑल फैशन टिप्स को भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, हमने एक ही चेन में दो सिंगल क्रोशिया बना लिया, अब फिर इस वाली रो में हमें सादा बनाना है, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट वाले में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, इसके पास वाले में डालेंगे, दो हो गए, तीन, चार, जितनी भी आपको चेन दिखेंगे हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक वाली एक रो में हमें सादा बनाना है, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, और दूसरी वाली रो में हमें स्टार्टिंग वाले में और लास्ट वाले में एक एक फंदा बढ़ाना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, अब हम इसको पूरी रो को कम्प्लीट करेंगे इस तरीके से बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से बनाना है। तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हम वीडियो बहुत फास्ट कर देते हैं, तो अब से मैं ध्यान दूंगी और वीडियो को बहुत
स्लो करके बनाऊंगी। तो हमने आठ रो बना ली हैं, टोटल 10 रो हमने देखिए यहाँ पर बनाई हैं। टोटल 10 रो होने के बाद अब देखिए 11वीं रो में हमें क्या करना है, देखिए एक चेन लेकर इसको घुमाएंगे और फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशे बनाया, वापस इसी जगह फिर से डालेंगे एक सिंगल क्रोशे और बना लिया। अब इसके पास वाली चेन में देखिए हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे दो सिंगल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे तीन सिंगल क्रोशिया, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। हमारे पास जितनी भी चेन होंगी ना, अगर आपको बड़ा बनाना है तो जितनी भी चेन है हर चेन में हम बनाते जाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया। लास्ट में हमें क्या करना है आपको दिखाता है, कि लास्ट में हम लास्ट की जो है तीन या चार सिंगल क्रोशिया हम छोड़ देंगे, चार चेन छोड़ देंगे। देखिए एक इसमें बना देंगे, फिर देखिए एक दो तीन चार, चार चेन छोड़ी हमने और यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेकर और लास्ट वाले चेन में हम एक ही चेन में दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया वापस इसी जगह डालेंगे, एक और बनाएंगे, दो सिंगल क्रोशिया हो गया। अब फिर देखिए हम क्या करेंगे, एक चेन लेकर इसको घुमाएंगे और जो हमने दो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हमें दो सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया इसके पास वाले में डालेंगे, दो चेन है ना हमारी तो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमने तीन चेन लिए हैं इसमें हम तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें कोई फंदा हमें बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तीन सिंगल क्रोशिया हो गया। अब जो आपके फंदे दिख रहे हैं हर चेन में डालते हुए हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। तो हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है, इस ऊन को हमने कट कर दिया और इसको हम अंदर इस तरीके से अटैच कर देंगे ताकि ये धागा दिखे ना। अब देखिए हम इसमें सिलाई लगाएंगे, तो सिलाई कैसे लगानी है अभी हम आपको दिखाते हैं। इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए सिलाई कैसे लगाएंगे हम, देखिए तो हमारा राइट साइड है, राइट साइड को अंदर करेंगे, रॉन्ग साइड से सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से कर लिया। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे, देखिए पहले हम इसको लेंगे और इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब इस साइड में हम सिलाई लगा लेंगे, इधर हम सिलाई लगाएंगे इधर, तो नॉर्मल सिलाई लगानी है जैसे हम लोग लगाते हैं, सिंपल है, इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे ऊपर तक, लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। इतना हम लगाने के बाद ऊन को कट कर लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने लगा लिया, अब इसको हम सीधा कर लेंगे क्योंकि हमने रॉन्ग साइड से सिलाई लगाई थी, इसको हमने सीधा कर लिया। अब देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब इसमें हमें एक बटन लेना है, तो आप कोई फ्लावर वाला फूल वाला कोई बटन ले सकते हैं, बट अभी मेरे पास सादा बटन है तो मैं यहाँ पर एक बटन को लगा दूँगी। देखिए इस तरीके से हम बटन लेंगे और इसमें यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर इसको हम अटैच करेंगे। करने के बाद हम आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। देखिए हमने यहाँ पर बटन लगा दिया है। अब बटन हमने लगाया है, इसको हम पहले किनार बनाएंगे। तो हमने ब्लैक कलर की ऊन ले ली है, अब ब्लैक कलर की ऊन को हम पतली वाली ऊन है इसलिए मैंने डबल कर ली है। अब इसमें यहाँ पर कॉर्नर पर हमने इसको ज्वाइन किया। अब देखिए एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए हर चेन में डालते जाएंगे, देखिए फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और फंदे को इस तरीके से निकालना है, ठीक है। सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है, देखिए फंदा निकाला इसके अंदर से निकाल दिया, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, फंदा निकालेंगे इसमें से निकाल देंगे। तो एक सिलाई की तरह डिज़ाइन आएगी, जैसे हम लोग सिलाई लगाते हैं ना वैसे डिज़ाइन आ जाएगी। बस हमें किनार बनानी है इसलिए हमें करना है। देखिए इस तरीके से हम लगाते जाएंगे और पूरी हम किनार को कवर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद ऊपर तक हमें इसको लेके जाना है, जो ऊपर तक हमें पूरा कवर करते जाना है, तो इससे बहुत अच्छा सा लुक आएगा। बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। सिंपल है, इस तरीके से करना है। जो हमने अभी तीन चेन लेकर एक बटन के लिए जो जगह छोड़ी थी ना उसमें भी सेम हमें ऐसे ही बनाना है, इस तरीके से। ऊन को हम कट कर दिया हमने। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस धागे को भी कट कर देंगे। ठीक है, धागे को कट कर दिया। अब इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं,
थोड़े जो पैसे होते हैं ना, चिल्लर होती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो खुले खुले पैसे रख सकते हैं। थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आप इसके अंदर अपना जो ईयरफोन होते हैं वो रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम इसको की रिंग बनाएंगे, तो की रिंग के लिए हमें क्या करना है, कोई भी छल्ला लेंगे और इसको इसमें डाल देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे, तो बहुत ही खूबसूरत सा बन गया है, बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। आपके पास कोई बड़ा पर्स है आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं, आप इसमें चाबी भी डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो इसमें ईयरफोन या फिर आप छोटा मोटा मेकअप जो होता है वो भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको एंजॉय करें, बाय।